थम्मा गणेशा, आप सभी को मेरा और मेरा नाम उषा है और मैं आज से न्यू ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये। और आज मैं खाटू श्याम जी जा रही हूँ। इतना एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि आज से पहले मैं पहले कभी गई नहीं हूँ वहाँ पे, बस वीडियोस वगैरह या फिर वो देखा है, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह ही देखी है या फिर नाम सुना है, मैंने कभी गई नहीं हूँ। आज मैं जा रही हूँ तो बहुत, मतलब अंदर से इतना एक्साइटमेंट फील हो रहा है, तो मुझे लगा कि मैं एक ब्लॉग बनाऊँ उस पर और ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ उस चीज़ को, और लाइफ में भी कुछ नया हो जाएगा और दर्शन भी करके आते हैं बाबा के। और आप लोग तो, मुझे पता है कि वहाँ बाबा के काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो काफ़ी लोग गए हुए हैं, लेकिन मैं पास की पास में नहीं गई हूँ, आज पहली बार जा रही हूँ। तो आप ये ब्लॉग पूरा देखना मेरे साथ में, और मैं कोशिश करूँगी आपको पूरा ब्लॉग दिखाने की। तो उसके लिए 7 बज चुके हैं, तो मुझे रेडी होना है अब। ओके, मिलते हैं। हेलो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और 9 बज चुके हैं सुबह के, और मैं अब निकलना है मुझे यहाँ से, क्योंकि 9:30 बजे की बस है और वहाँ पे मेरे कज़न और मेरी मम्मा वेट कर रहे हैं, तो मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से अब। और अब वहाँ से खाटू श्याम जी कितना टाइम लगता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ से। और फर्स्ट टाइम ही खाटू श्याम जी जा रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम ही ब्लॉग है, तो आप लोगों का कितना प्यार मिल पाता है इस ब्लॉग से पता चलेगा वो। और तो अपन मिलते हैं आगे। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टॉप पे चौमू पुलिया। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। ये हाइपर सिटी है सामने, और ये भवानी निकेतन कॉलेज है, आपने देखा ही है, सुना भी है। और ये बस स्टॉप है चौमू पुलिया का, और अब यहाँ हम बस का वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कितनी देर में आती है। और ये जो लास्ट में जो बस खड़ी हुई है, ये हमारे गांव की बस है, तो ये हमें जानते हैं, तो बोलते थे कि अब लो अब हमारी बस भी आ गई, अब हम निकल गए। मम्मी देखो कितनी तेज चल रही, मैं भी जा रही हूँ पीछे। अब हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे। सॉरी अचानक से वीडियो बंद करना पड़ा, क्योंकि बस में इतनी भीड़ थी कि क्या बताऊँ आपको। वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात था, खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल था वहाँ पे। और मैंने इसका जो टाइटल लिखा है भारी क्यों पड़ा, वो यही था कि इसी वजह से कि भीड़ बहुत थी। तो हम पहुँच चुके हैं और जा रहे हैं धीरे धीरे वहाँ से, और आगे प्रसाद सोच रहे हैं कहाँ से लें, आगे जाके प्रसाद लेके और आगे निकलेंगे। और देखो वहाँ से बस स्टॉप जहाँ गेट पे उतारते हैं, वहाँ से समथिंग 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है। अब हम वहाँ पे दरबार में पहुँच चुके हैं, और रेलिंग देखो कितनी लगी हुई है, लेकिन शुक्र है कि आज रेलिंगों में से नहीं, हम साइडों में से निकल रहे थे, आज यहाँ साफ़ सफाई चल रही थी इस वजह से। और मम्मी देखो कितनी फास्ट चल रही हैं, मम्मी चाहे कुछ भी कहो हमसे इतना तेज़ नहीं चला जाता जितनी मम्मा चल रही हैं। और अब थोड़ी दूर और रह गया है, चल रहे हैं धीरे धीरे, मैं तो धीरे धीरे ही चल रही हूँ क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा। और देखते हैं, हम पहुँच ही चुके हैं, बस आ गए हैं। देखो भीड़ होना स्टार्ट हो गई है धीरे 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 धीरे, हम सोच रहे हैं दर्शन कर लें जल्दी से, क्योंकि पट बंद होने वाले ही हैं अभी, अभी 12 बज चुके हैं, तो बात जल्दी जल्दी इसीलिए जा रहे हैं, इसीलिए मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाया था। तो देखो हो पाते हैं या नहीं। ओ शेट,
बट बंद हो चुके हैं और अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा और देखो कितना टाइम लगता है। देखो भीड़ देखो आप, कितनी भीड़ हो रही है। मैंने मम्मा से बोला, मम्मा इतनी भीड़, तो बोलती हैं कि आज तो बहुत कम है। अरे बाप रे, मैंने इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी। मैं मंदिरों में काफ़ी जगह गई हूँ लेकिन इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी। जितनी खाटू श्याम बाबा के यहाँ देखी है ना, उतनी भीड़ मैंने कहीं नहीं देखी। मैं ये सोचती हूँ कि जब मतलब हर दिन जब इतनी भीड़ रहती है, तो जब बाबा का मेला आता है होली के आसपास, तो उस टाइम पे कितनी भीड़ होती होगी, समझ नहीं पा रहे। पट खुल चुके हैं और अब हम धीरे धीरे निकल रहे हैं, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। आप लोग भी कुछ देखना अगर दिख जाए तो। जय हो बाबा की, जय हो मेरे खाटू वाले बाबा की। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं क्योंकि वहाँ पे अचानक मोबाइल बंद करवा दिया था, तो इसलिए हम वहाँ ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के नीचे उतरते हैं बाहर आके, तो वहाँ पे आ चुके हैं और अब हम रोड पे निकल चुके हैं घर के लिए। और अच्छा लगा कि जो एक्साइटमेंट जो सुबह हो रहा था मॉर्निंग में, इतना अच्छा फील हो रहा है कि पता नहीं क्या, ऐसा क्या मिल गया है हमें। और सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लगा। मैं इतने मंदिरों में गई हूँ लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा। अगर आप अब मुझे नहीं पता आप यकीन, मैं एक आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ। वो क्या हुआ वहाँ पे, जैसे पट बंद थे ना वहाँ पे, तो वहाँ जैसे पट बंद थे, पट बंद होने के बाद में हम लोग खड़े थे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर उसके बाद में अचानक से जैसे ही मतलब पट खुले और आरती स्टार्ट हुई, तो मतलब मेरे पूरे मतलब ऐसे शरीर में रोंगटे से खड़े हो गए और आँखों में से ऐसे आंसू आने लगे, जैसे कि मेरे अंदर कितना दुख है और मैं जैसे उनसे बाबा से बता रही हूँ उस दुख को, और मुझे खुद को नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं आप लोग यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इमोशनली सीन मेरे साथ हुआ है। मैं वहाँ पे अब क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आया है ना। तो मैंने मम्मा को बताया, तो मम्मा ने बोला कि होता है, ऐसा होता है। मैंने एक दो लोगों से भी शेयर की ये बात, तो उन्होंने भी ये बोला, तो अब पता नहीं। अब चलो छोड़ो ये बातें, अब हम लोग चल रहे हैं धीरे 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 बस स्टॉप की तरफ की। और धूप बहुत तेज़ हो रही है और बाबू की देखो, बाबू टोपी लगा रखी है इसने, मम्मा ले रखी है क्योंकि मेरे से तो गोद में लेके चला नहीं जाता, तो मम्मा ने लिया हुआ है और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। और भाई वीडियो बना रहा है कज़न, और चल रहे हैं। अब देखो कितनी दूर स्टॉप पड़ेगा, धूप बहुत तेज हो रही है, इतनी धूप हो रही है कि पैर जो है ना वो नीचे से मतलब इतने जल रहे हैं कि टिक भी नहीं रहे पैर। ये देख लो, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो ये मतलब लेट के जो आते हैं, क्या इनको पेट पिलाने, ये कैसे आते हैं, मैं तो ये समझ ही नहीं पा रही। मैंने अभी जस्ट एक देखा अभी किसी को, तो वो मतलब ऐसे एक नारियल लेके और पेट पिलाने आ रहे थे वो। तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि यार मम्मा ये कैसे आते हैं यहाँ पे, समझ नहीं आता, और अपने से पैरों से नहीं चला जा रहा और ये लेट लेट के आ रहे हैं।
एक बात तो है, चमत्कार तो है, कुछ तो है, लेकिन बहुत अच्छा लगा सच में, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं इतने मंदिरों में जाके आई हूँ, लेकिन यहाँ जितना मुझे आके अच्छा लगा उतना शायद नहीं लगा होगा कहीं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं मान लो कि यहाँ आने के बाद में, मतलब घर में जो कहते हैं ना कि घर गृहस्थी में हो ही जाता है थोड़ा, तो वो मैंने यहाँ पे शेयर कर ली अपनी बात बाबा से, और अब थोड़ा हल्का फील हो रहा है दिल थोड़ा ऐसे। बाकी आपने सोचा होगा कि टाइटल ऐसा क्यों डाला, टाइटल सॉरी उसके लिए, क्योंकि वो मतलब भीड़ इतनी थी आते वक्त, क्योंकि हम लोग इतना परेशान हो गए थे उस टाइम पे, क्योंकि बच्चा भी था छोटा गोद में, तो इस वजह से गोद में लिए इसको आए, तो इस वजह से थोड़ा सा परेशान हुए। अब हम निकल चुके हैं वहाँ से, बस में बैठ चुके हैं हमने, सॉरी डिपो से ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि मम्मा डांट रही थी बार बार में, तो हम निकल चुके हैं बाबा के दरबार में, अब हो सके जितना जल्दी आएंगे वापस। और अच्छा लगा, थैंक गॉड सीट मिल गई है, और एक बस पहले निकल चुकी है सीट के चक्कर में, तो हमने दूसरी बस पे टिकट लेके और सीट बुक करी है। तो हम लोग अब घर पहुंच चुके हैं, और थकावट भी बहुत हो गई है थोड़ी, क्योंकि जाते टाइम बस में बहुत भीड़ थी, आते टाइम तो फिर भी सीट मिल गई थी, जाते टाइम बस में बहुत भीड़ थी, और फिर आगे वहाँ जाने के बाद में पट बंद मिले मंदिर में, तो उसकी वजह से थोड़ा वहाँ खड़ा रहना पड़ा, तो वहाँ भी थोड़ी भीड़ हो गई थी, और दर्शन अच्छे से हो गए, और मैंने ब्लॉग्स में भी दिखाने की कोशिश की है दर्शन करवाने की। बाकी वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं, मोबाइल बंद करवा देते हैं, बट मैंने कोशिश की है, आप देखिएगा। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों का यूं ही सपोर्ट दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।